जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहन उर्वशी हमारे बीच है और सिर्फ उनका ही अभी यहाँ पे डांस प्रोग्राम है, तो मुझे आदेश मिला है कि उनके बारे में कुछ परिचय दूँ। प्राची शाह को नृत्य उर्वशी कहा जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप आर्किटेक्ट भी हैं और बहुत सुंदर सितार वादक भी हैं। आप सुधीर जी और नीता जी की बेटी हैं। आप एक कुशल, दीक्षित, शिक्षित, जानी मानी कथक डांसर हैं जयपुर घराने से। आप में ग्रेस और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, साथ ही उतना ही सुंदर सुलझा हुआ व्यक्तित्व। इन्होंने कथक की दुनिया में इतने अच्छे ढंग से ढाला है कि इनकी अदाएं देखते ही बनती हैं। इन्होंने ये कला गुरु गणेश हीरालाल जयपुर घराने के जो स्तंभ है उनसे सीखी है। प्राचीनी कथक डांस को मात्र 3 साल की उम्र में वरा है और तब से ये सतत इस साधना को साधने में लगी हुई हैं। ये हमेशा देश विदेश के टूर करती रही हैं और अब तक इन्होंने 150 से भी अधिक शो भारत और विदेश में दिए हैं। संगीत नाटक अकेडमी, स्वर्ण नृत्य प्रतिभा, ताज महोत्सव, राजभवन, वर्ल्ड कंसल्टेट मुंबई और 50वीं एनिवर्सरी जो कि सेलिब्रेट हुई थी यूएसए में और कनाडा में, उसमें भी आपने भाग लिया है। आप बहुत ही फेमस टीवी कलाकारा हैं और आप जो भी इनकी सीरियल आई हैं उनके नाम मैं बताना चाहूँगी कि आपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पिया का घर, ऊर्जा, कोशिश, एक रास्ता, कुंडली, कहीं दिया जले, कहीं जान, और आप कथक में एमए भी है। तो इस तरह इतनी सारी उपाधि और कलाओं से भरी एक कलाकारा हमारे सामने नृत्य पेश करने जा रही हैं। वैसे तो मेरे पास इनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें इन्होंने काम किया है, लेकिन समय की घड़ियां मुझे कह रही हैं कि मैं ज़्यादा ना बोलूं और आप उनकी ही कला देख के खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी प्रतिभाशाली एक कलाकारा हम सबके बीच है। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ बहन प्राची शाह से कि आकर हमारे दर्शकों का अब और धैर्य का परिचय ना ले और अपनी कला से हमें अवगत कराएं। बहन प्राची शाह
जड़ित मुकुट सर कान में कुंडल कटी पीत नूपुर साज लंबोदर गणपति गणेश प्रथम देव जगन्नाथ प्रथम देव जगन्नाथ जय जय गणपति जय जय गणपति जय गणपति जय गणपति जय 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 शांति। आप सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। सभी देवी देवताओं को श्री गणेश को वंदन करके मैं अपना ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले अपने साथी कलाकारों का परिचय कराना चाहूंगी, क्योंकि उनके बगैर शायद मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। सबसे पहले मेरे गुरुजी गुरु गणेश हीरालाल जी, जो आज यहाँ मेरे साथ उपस्थित नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो विदेश गए हैं, उनका आशीर्वाद लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। वोकल सपोर्ट दे रही हैं मिसेस वेदश्री ओक, उनके साथ हारमोनियम पर सपोर्ट दे रहे हैं उनके हस्बैंड श्री आदित्य ओक, तबले पर साथ दे रहे हैं श्रीपाद जैल और सारंगी पर साथ दे रहे हैं प्रख्यात अनवर हुसैन जी। मैं आपके सामने आज कथक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जयपुर घराने का नृत्य जो मैंने सीखा है वो मैं आपके सामने पेश करूंगी। जो भी मैं करूंगी मैं आपको बोलकर समझाकर करूंगी। अब मैं आपके सामने फुटवर्क यानी तत्कार, जो कि कथक की जान है, वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 14 मात्रा ताल धमार, 14 मात्रा यानी 1 मात्रा से 14 मात्रा तक गिनती, सीधी गिनती 1 से 14,
और वापस एक। ये साइकिल है 1 से 14, 14 से 1। प्रस्तुत कर रही हूँ दाल धमार कुछ तिहाइयाँ तत्कार। Ah.
थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये थी तत्काल 14 मात्रा ताल धमाल। अब मैं आपके सामने कथक के कुछ तोड़े टुकड़े चक्रदार परन कवित जिसे हम पोएट्री कहते हैं कुछ भी और कथक दिखाना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 3 ताल सीधा ताल है 16 मात्रा, उसी तरह सारे ताल सीधे हैं 1 मात्रा से 1 मात्रा तक और वापस 1 मात्रा तक जिसे हम सम कहते हैं। अभी जैसे मैंने 14 मात्रा किया, अब मैं आपके सामने 13 मात्रा दिखाऊंगी। वही गिनती 1 से 13 सम धा भिन धेत भिन न क ता धा कत धा ते त क ता ग ती ग न एक दो तीन चार पाँच छः राधे।
छोटी सी कविता है प्रस्तुत करें। था तेरा मात्रा जिसमें मैंने
जयपुर घराने का कथक, प्योर कथक के तोड़े टुकड़े परन चकदार परन प्रस्तुत किए। अक्सर गुरुजी मेरे साथ होते हैं तो वो पढ़ंत करते हैं। आज सभी मैंने सभी आर्टिस्टों को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी, आदित्य जी जो हारमोनियम पे हैं और वेदश्री जो गा रही हैं, आज पहली बार मेरे साथ स्टेज पे प्रोग्राम कर रही हैं। और जो तबले पे हैं शिपा जी, वो बड़े हिचकिचा रहे थे कि मैं तबला बजाऊं कि बोल बोलूं। मैंने कहा दोनों करो, क्योंकि गुरुजी नहीं है, कोशिश कर रही हूँ उनके बगैर कुछ अच्छा परफॉर्म करने की, ताकि उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। इसके बाद मैं आपके सामने एक ठुमरी प्रस्तुत कर रही हूँ, राधा कृष्ण जी की ठुमरी है, बहुत प्यारी ठुमरी है। ये मैंने वृंदावन में परफॉर्म की थी, कृष्ण जी के मंदिर में। इसके बोल हैं, काहे गए घन श्याम, राधा कह रही है कि श्याम मुझे छोड़कर क्यों चले गए या कहाँ चले गए, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। वो कहती है, नैना तरसे श्याम दरस को, नैना तरसे श्याम दरस को, सोई नहीं मैं रात, हाय काहे गए घन श्याम। गोकुल ढूंढी वृंदावन ढूंढी, गोकुल ढूंढी वृंदावन ढूंढी, मथुरा भई श्याम, हाय काहे गए घनश्याम। श्याम बिना नगरी सुनी, ढूंढत हूँ सखी साथ, क्यों चले गए श्याम। मैं एक लाइन गाने की कोशिश करूँगी, मुझे बहुत पसंद है इसलिए थोड़ा बहुत गुनगुनाने की कोशिश करूँगी। काहे गए काहे
एक आखिरी आइटम है, सिर्फ घुंघरुओं की आवाज तत्कार के रूप में ताल तीन ताल में 16 मात्रा में मैं अलग अलग जातियां प्रस्तुत कर रही हूँ। जातियां यानी तीन मात्रा यानी तीसरे जाति, एक दो तीन, पांच यानी खंड, 6 7 9 सारे मात्राएं एक ही साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। बारिश हो रही है, मैं भी सिर्फ कहने वाली थी कि मैं मेरी घुंघरुओं की आवाज़ अगर आप ऐसे सुने कान बंद करके तो ऐसा लगेगा जैसे बारिश आ रही है, और बारिश आ गई है। अंत में मैं सिर्फ लहरें के साथ ही बताऊंगी, तिहाई में तबला मेरा साथ देगा, पांच जातियां पंचमुखी तत्कार।